चलूं। हाँ जी चलें। कहाँ? कहाँ क्या मतलब, बाहर घूमने फिरने? और कहाँ? अभी अभी तो आए, एक दो घंटे रुकते हैं ना, मैं बहुत थकी हूँ। मैं यहाँ रेस्ट करने नहीं आया। अच्छा, बहुत सारी जगहें देखनी हमने, सेंटोसा आइलैंड, शॉपिंग, बहुत कुछ है। चलो, हमारे पास 4-5 दिन नहीं सब कुछ करने के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं ना प्लीज। अरे यार, मैं कमरे में नहीं बैठने आया भाई, चलो जल्दी चलो, बहुत सारी जगह दिखानी है। हाय हाय शावेज, अच्छा 5 मिनट। अच्छा भाई 5 मिनट, 1 मिनट हो गया, 4 मिनट रह गए। 3-2-1 खत्म टाइम मेरा। अच्छा यार, तुम अपने 5 मिनट लो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, ठीक है? हरी आप। Give me 5 minutes. ओके। वैसे यार सोहा, तुम्हारी आपी की किस्मत ना कसम से बहुत कमाल है, जिनको शावेज भाई जैसा इतना अमीर और चार्मिंग किस्म का लड़का मिला। जी कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, आपी की किस्मत ना वाकई में बहुत अच्छी है। तुम भी फिक्र मत करो, अपनी आपी से कुछ सीखो, तुम्हें भी तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग जल्द ही मिल जाएगा। जी जी, जब किसी लॉटरी में कोई हैंडसम और अमीर किस्म का लड़का निकलेगा ना, तो मुझे मिल जाएगा मुफ्त में, है ना? कम ऑन यार, तुम इतनी नेगेटिव जो बातें करती हो ना, कसम से मैं बहुत पुट ऑफ होती हूँ। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग भी तुम्हारा कहीं वेट करोगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी आपी को घर बैठे कोई मिल गया? आई एम श्योर वो किसी पार्टी में गई होंगी या किसी रेस्टोरेंट में गई होंगी, तभी शावेज भाई उन्हें मिले। तुम भी ना मेरे साथ सोशलाइज करो, तुम्हें भी जरूर मिल जाएगा कोई हैंडसम सा, चार्मिंग सा लड़का। सही बात है यार, लेकिन वैसे मैंने खुद को सोशलाइज करके भी देख लिया है, नतीजा क्या निकला? सिफर, कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब मैं कहाँ कहाँ पे सर पटकती फिरूं यार, आप ही की तरह हर किसी की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है। उफ अल्लाह, ये नेगेटिव बातें फिर से, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, शावेज भाई का कोई भाई है? हाँ नहीं। अब क्या यार, तुम ये फजूल बातों में पड़ गई हो, चलो क्लास का टाइम हो रहा है। वैसे कितना मजा आया आज, नहीं? इतने ऐसे बात में कहीं इतना घूमी फिरी, इतना एंजॉय किया मैंने। आई एम ग्लैड। अच्छा ये बताओ, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? वैसे तो सारी जगह बहुत अच्छी थी, पर आई लाइक्ड सेंटोसा आइलैंड, है ना? कितना कुछ था ना वहां करने को। इट्स माय फेवरेट प्लेस। वेल नाउ आई कैन से आई लव दैट प्लेस। वेल शॉपिंग वाज द बेस्ट पार्ट, लेकिन मैंने इतना सब कुछ ले लिया, मैं सोचूं मैं रखूंगी कहीं पर, इतनी जगह नहीं है। हाँ मुझे लग रहा है कि 2-3 सूटकेस और लेने पड़ेंगे हमें। डेफिनेटली, यही तो मैं चाहता था। क्या? यही कि बस मैं और तुम हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बहुत सारा फन हो, एक्साइटमेंट हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं आपको डिजर्व भी करती हूँ। और मुझे लगता है कि तुम मुझे डिजर्व करती हो। एक सेकेंड। ओह, जोहा की कॉल। हेलो, कैसी हो तुम? घर पे सब कुछ कैसा है? अम्मी अबू कैसे? डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, उसने तो कहा है कि आज ही से एडमिट करवा दे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जोहा को क्या बताऊं। बताना तो पड़ेगा, मेरी बेटी एक अरसे से इस बीमारी का मुकाबला कर रही है, अल्लाह ने चाहा तो वो इस इम्तिहान में पूरी उतरेगी। लेकिन ये मैं उसे कैसे बताऊं, मेरा तो हौसला जवाब दे रहा है। मैं उससे बात करूंगा। खैर, ऑपरेशन के लिए रकम का बंदोबस्त हुआ? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है, ये घर गिरवी रखवा रहा हूं, कल सुबह वो 7 लाख रुपए का चेक दे जाएगा। ये क्या किया आपने, घर गिरवी पर रखवा दिए?
इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। सर छुपाने के लिए बहुत सहारा था, वो भी छिन जाएगा। या अल्लाह ये कैसी आजमाइशें हैं तेरी। दुआ करो हमारी बच्ची बच जाए, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। अम्मी ये क्या कह रहे हैं आप लोग, जोहा को कैंसर है? आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, आप लोग मुझे सगा क्यों नहीं समझते, मैं गैर हूं क्या? मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ, अभी हमने जोहा को कुछ नहीं बताया। अम्मी प्लीज कह दें कि ये झूठ है, जोहा को कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, प्लीज मुझे बताएं, सच बताएं। Do you like it? Mm-hmm. This is my favorite place. जब भी सिंगापुर आता हूँ, जरूर यहाँ से खाना खाता हूँ। आपको भी चाइनीज़ खाना पसंद है? तुम्हें भी? Mm-hmm. बहुत। काफी चीजें मिलती हैं हमारी, नहीं? इसलिए तो तुम्हारा इंतखाब किया है। सिर्फ इसीलिए? कोई और वजह नहीं है? नहीं, वजहें तो बहुत सारी। जैसे? सुनना चाहती हूँ? बिल्कुल। वैसे तो मुझे पता है कि आपने मुझसे क्या कहना है, लेकिन अगर आप फिर से कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत खुश नजर आ रही हो आज। खुश तो मैं बहुत हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना कि इतनी सारी खुशियाँ एक साथ भी कभी मिल सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि जिंदगी की खूबसूरती को तुम्हारे साथ शेयर करूँ। आप खुश हैं? Can't you see? लग रहे हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि कितना खुश हैं। I don't know. I can't explain it in words. But you have to know. I really want to know. दुआ मुझे लगता है I was always in search of you. और अब जबकि तुम मुझे मिल गई हो, I feel complete. लगता है जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई। जिंदगी बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत लगने लगी, जैसे जीने का कोई मकसद मिल गया। अम्मी वैसे आप लोगों ने ना घर गिरवी रखवा के कोई अकलमंदी का मुजाहरा नहीं किया। मजबूरी है, कोई जायदाद या जेवर तो है नहीं जिसे बेचकर जोहा का इलाज करवाया जाए। तो आप लोग शावेज भाई से क्यों नहीं बात करते, वो कोई गैर तो नहीं है, करवा सकते हैं ना जोहा का इलाज। पागल हो गई हो क्या, दामाद है वो। नहीं, वो लोग इतने अमीर हैं, उनके लिए 7-8 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। अमीर होंगे वो अपने लिए, उनकी दौलत पर हमारा कोई हक नहीं। तो इस तरह के हालात में हमारी फाइनेंशियल हेल्प तो कर सकते हैं ना। और आप ही की जगह अगर आप लोगों ने मेरी शादी की होती ना किसी अमीर बंदे से, तो फिर मैं दिखाती आप लोगों को कि किस तरह से मैं जोहा का इलाज अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में करवाती। और शौहर की दौलत पे ना बीवी और उसके घर वालों का हक भी होता है बराबर का। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठती, और बैठेगी भी क्यों, आप लोगों के दिमागों पे तो भूत सवार है खुददारी का।
ये जो लफ्ज खुददारी है ना, मुझे इससे शदीद चिढ़ है। कुछ हाथ नहीं लगता इससे सिवाय तंगदस्ती के। हमें बेटी और दामाद की मदद नहीं चाहिए, और दुआ को तो सुहा की बीमारी का बताया ही नहीं। हनीमून से आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? आपने आपी को जोहा की बीमारी के बारे में अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। आपको अंदाजा भी है वो कितना गुस्सा करेंगी, कितनी नाराज होंगी हमसे। क्या करती मैं, मजबूरी थी। नई नई शादी हुई है उसकी, और अब भी वो अगर मैके के झमेलों में पड़ी रहेगी तो शोहर को टाइम कैसे दे। वैसे भी शादी के बाद तो औरत के लिए शोहर और ससुराल ज्यादा अहम होते। ये क्या उल्टी सीधी बातों में पड़ी हुई हो तुम? मैं पहले ही बहुत परेशान, कल जोहा को हॉस्पिटल भी एडमिट करवाना। खुद तो सिंगापुर में ऐश कर रही होगी, और हम यहाँ पे पल पल की अजियत काट रहे हैं। दिल तो चाहता है फोन करके खरी खरी सुनाऊं। हद होती है खुदगर्जी की भी। बहन यहाँ पे मर रही है और वहां पे हनीमून मनाए जा रहे हैं। अम्मी क्या हुआ, आप रो रही हैं? क्यों परेशान है अम्मी? आप ही की वजह से ना। मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ, अभी हमने जोहा को कुछ नहीं बताया। अम्मी प्लीज कह दे कि ये झूठ है, जोहा को कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मुझे बताएं, सच बताएं। जोहा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है और कल शाम ही उसकी सर्जरी। अगर आपको अपने शौहर से और अपने हनीमून से जरा सी भी फुर्सत मिले ना, तो यहाँ आकर अपनी बेचारी बीमार बहन का हाल पूछ लीजिएगा। दे जाजा मैं चलूं, दे जाजा मैं चलूं। हेलो भाई, आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं आपको कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, आप क्यों नहीं अटेंड कर रहे? वो सुहा में थोड़ा मसरूफ था आजकल। ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि आप बहन को कॉल बैक नहीं कर सकते थे? आप और आप भी बहुत खुदगर्ज हैं। आप लोगों को कोई परवाह नहीं है हमारी, क्या हम यहाँ पे जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सुहा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ? जोहा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड है यहाँ पर, और कल शाम उसकी सर्जरी है। दिमाग मत खराब करो, वो तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसे कैंसर कैसे हो गया? कैसे हो सकता है, वो तो बहुत छोटी है अभी। आपने बताया नहीं मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। Stunning, beautiful, elegant. Thank you. वैसे इस तरह के कपड़ों में मैं काफी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए कुछ अलग करना चाहिए इससे। बहुत अच्छी लग रही है। सुनो, मैं सोच रहा था अपना ट्रिप थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों? वैसे ही अच्छा लग रहा है यहाँ तुम्हारे साथ टाइम गुजार के, और वैसे भी मैं तुम्हें वहाँ की टेंशन से थोड़ा दूर ही रखना चाहता हूँ। अभी तो वैसे भी कुछ दिन हम यहीं पे ही हैं, और दिन आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? दुआ, तुम जब जब वहाँ पर होती हो तो और मसलों में बहुत बिजी रहती हो, बस मैं चाहता हूँ वहाँ से तुम्हें दूर रखूँ। बस
मैं और तुम हो और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना, ताकि जरा आराम से बातें कर सके। तो बातें वहां पे नहीं हो सकती थी? हाँ हो सकती हैं, लेकिन वहां पर और बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हैं जिनको मैं दूरी रखना चाहता हूँ। ओ, सोहा की कॉल है। हेलो, तुम कैसे हो? घर पे सब लोग कैसे हैं? बस यूं समझ लें कि सब जी रहे हैं सिर्फ। आपको तो खूब मजा आ रहा होगा ना वहां पर? काफी एंजॉय कर रही होंगी हनीमून पर? हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ काफी। वो जोहा से बात करवाना मेरी। जोहा से आपकी बात बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि वो बेचारी तो इस वक्त आईसीयू में है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में सांसों से लड़ रही है। क्या मतलब है आईसीयू में वो? क्या हुआ है उसे? जोहा को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है और कल शाम ही उसकी सर्जरी। अगर आपको अपने शौहर से और अपने हनीमून से जरा सी भी फुर्सत मिले ना, तो यहाँ आकर अपनी बेचारी बीमार बहन का हाल पूछ लीजिएगा। आपको तो हनीमून से फुर्सत नहीं है ना, मगर वो बेचारी यहाँ पे बार बार सिर्फ आपसे मिलने के लिए इंसिस्ट कर रही है। और मैं उसको ये बात बता के दुखी नहीं करना चाहती कि उसकी चहेती आप ही को उसकी जरा भी परवाह नहीं, बल्कि वो तो एंजॉय कर रही है ना अपने हनीमून पर सिंगापुर में। परेशान बिल्कुल मत होना, सब ठीक हो जाएगा। आप ही नहीं आए अभी? आ जाएगी दो चार दिन में। उनको प्लीज बोले आ जाए, बहुत याद आ रही है मुझे आप ही। आपने उनको बताया नहीं होगा ना, वरना वो मेरे पास ही होती। अम्मी प्लीज आप ही को बोले आ जाए। बेटा तुम्हारी आप ही की अब शादी हो गई, उसका अपना घर है, अपने नए घर को तो टाइम देना है ना उसने। तुम परेशान मत हो, जैसे वो आएगी तुम्हारे पास आ जाएगी। और अगर तब तक मैं जिंदा नहीं रही तो? खबरदार, जो आइंदा ऐसी बात मुंह से निकल गई, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, मेरी जान को कुछ नहीं होगा। ना कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूं और तुम यहां बैठे हो? ये क्या, तुम रो रहे हो? क्या हुआ, किसका मातम मना रहे हो? सच सच बताओ, किसकी याद में आंसू बहा रहे हो तुम? देखो मारी, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है तुमसे बात करने का, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो और चली जाओ यहाँ से। समझी, ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है, नहीं क्योंकि ऐसी हालत नॉर्मली तो आशिकों की हुआ करती है। सच सच बताओ मुझे, ये कोई गर्लफ्रेंड है पाकिस्तान में तुम्हारी, या अमेरिका में कोई नई गर्लफ्रेंड बना लिया तुमने? बस अब एक अल्फाज भी और मत कहना वरना तो। ओ, अच्छा, क्या बिगाड़ लोगे मेरा तुम? मैं चला जाऊंगा ऐसे हमेशा हमेशा के लिए। पहली तो क्या तुम यही कहने वाले थे? तो जाओ ना, किसे परवाह है तुम्हारी। एक बात बताओ मुझे, सब तुम्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्यों बुला रही है जहन्नुम में मुझे? जहन्नुम? ये अमेरिका है,
सुपर डैम पावर, यहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं, ख्वाब देखते हैं यहाँ पे आने के लिए। तुम तो लकी हो कि तुम मुफ्त में यहाँ पे आ गए, तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे बैठे हो, वरना होते पाकिस्तान में अपनी सिस्टर की कमाई पे पल रहे होते। मैं लानत भेजता हूँ तुम पे और तुम्हारे सुपर पावर के ऊपर। तुम जैसा नाशुक्रा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। Shut up! How dare you? You shut up! खबरदार जो तुमने मुझसे आइंदा स्टोर में बात की, मैं तुम्हें सामान समेत इस घर से बाहर फेंक दूंगी। और तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि एक मामूली मकान ही अफोर्ड कर सको। हैसियत देखो और नखरे देखो। Are you sure कि she wasn't making it up? I mean, तुम जानती तो हो उसको, हो सकता है ऐसी मजाक कर रही हो या तुम्हें छेड़ रही हो। ऐसी बात पे को मजाक करता है क्या? कुछ हुआ है इसीलिए तो बोल रही है वो। शावीज, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप प्लीज कोई भी टिकट्स देखिए, हम लोग बस वापस चलेंगे कल। प्लीज कुछ करता हूँ मैं। कोई भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट बुक करें, मुझे जाना है हर हाल में। इस वक्त कहाँ से करवाऊँ मैं टिकट्स बुक? आधी रात हो चुकी है, किसको फोन करके कहूँ कि टिकट्स बुक कर दे? आपको किसी को भी कॉल करने की जरूरत क्या है? खुद जाके ऑनलाइन देखें, कोई ना कोई फ्लाइट मिल जाएगी हमें। शावीज, मेरी बहन की तबीयत खराब है, आई रियली नीड टू गो, प्लीज। अच्छा करता हूँ। थैंक यू। कहो क्या कहना है? वो एक्चुअली मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा रिएक्ट नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जो बात है वो कहो। वो एक्चुअली मेरी बहन हॉस्पिटलाइज्ड है, डॉक्टर ने उसे कैंसर डायग्नोस किया है, मुझे उसको देखने के लिए पाकिस्तान जाना है, मुझे टिकट के पैसे चाहिए, तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो। ओह रियली? तो तुम मुझसे माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे भीख चाहिए? मारिया, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, हर महीने तुम मेरी सैलरी ले लेती हो तो बस उसी में से कुछ पैसे दे दो मुझे एज लोन। मैं कह रहा हूँ मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है जो तुम मुझे सैलरी देते हो वो मैं खुद पर खर्च करती हूँ क्या? तुम जो यहाँ मुफ्त में रह रहे हो, मुफ्त में खा पी रहे हो, वो सब क्या है? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे देकर भूल जाओ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम मुझे क्या पैसे वापस करोगे? एक दफा अगर यहाँ से चले गए तो वापस आने के बारे में सोचोगे भी नहीं, और मैं तुम्हें पाकिस्तान जाने नहीं दूंगी। और वो इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या मुझे तुम्हारी कोई परवाह है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें तड़प तड़प के और सिसक सिसक के जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो। तो कैसे कर सकती हो मेरे साथ ये सब कुछ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? डैडी कह रही थी कि शट अप यू डैम इट। तुम जानते हो यहाँ बीवी पे हाथ उठाना कितना बड़ा क्राइम है? Let me call the police. Dad, Dad, police को मत बुलाएं, please, police को मायरा। Daddy, police को मत बुलाएगा। इसको इसके ये की सजा मैं अपने हाथों से दूंगी, और वो ये कि ये आज पूरी रात बाहर गुजारेगा। मारिया, मैं बाहर कैसे रहूंगा बताओ? Just leave this house. मारिया, सर्दी बहुत है बाहर। Did you hear me? निकलो यहाँ से, निकल जाओ। हो गई ये बुकिंग, 4 घंटे बाद फ्लाइट है, पैकिंग कर। थैंक यू। इतना टॉर्चर उसे मत करो, तुमने उसे घर से ही बाहर निकाल दिया।
दादी मैं उसका वो हाल करूंगी जो मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरा किया था। नफरत है मुझे पाकिस्तानी मर्दों से, इनसे ज्यादा खुदगर्ज और मतलबी मैंने आज तक नहीं देखा। कब तक तुम उस शख्स का इंतकाम शयान से लेती रहोगी? अब मैं उसे अंदर लेने जा रहा हूं। नहीं दादी, कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे समझा लूंगा। प्लीज अब तुम कोई बात नहीं करना। सर्जरी अभी शुरू हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो सर्जरी कामयाब रही तो रात गए इनको होश आ जाएगा, आप इनको कल घर ले जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? सर्जरी से हम ट्यूमर तो निकाल देंगे लेकिन कैंसर का इलाज चलता रहेगा। कैंसर फर्स्ट स्टेज से गुजर चुका है, ऐसे हालात में कैंसर पे मुकम्मल काबू पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, आए। आज मैंने शावेज को बहुत बुरे मूड में देखा। जितना वो शादी के लिए एक्साइटेड था उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना, मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। दे जाजा मैं चलूं, दे जाजा मैं चलूं। मेरा बेटा, छोटा सा ऑपरेशन है, फिर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी मैं नहीं जा रही सर्जरी के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी अम्मी प्लीज मुझे नहीं भेजना सर्जरी के लिए, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर। जोहा जोहा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा मेरी बहादुर बेटी है ना। अम्मी मुझे नहीं जाना ना, प्लीज अम्मी नहीं भेजे। जोहा मेरा बच्चा बहादुर है। हाँ जी, अंकल। दुआ। सोहा किधर है? उसका ऑपरेशन चल रहा है, बस उसके लिए दुआ कर। सब कुछ हुआ कैसे और आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? क्या क्या बताती? अच्छा बैठ जाए। कितनी देर में खत्म होगा ऑपरेशन? कुछ परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। वैसे डॉक्टर क्या कह रहे हॉस्पिटल? मुझे बहुत महंगा लग रहा है। आपने कहाँ से पैसों का बंदोबस्त किया है? तुम ये सब कुछ रहने दो बेटा, वैसे भी ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ मुझे बता देना, मैं क्या आपकी अपनी नहीं हूँ जो मुझसे डिस्कस नहीं कर सकते? अब्बू आपको नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। अब्बू ने घर गिरवी रखवा कर 10 लाख रुपए लिए हैं कुछ लोगों से। क्या आपने घर गिरवी रखा है अब्बू? ये करने से पहले आप मुझसे एक दफा बात तो कर लेते। आप क्या कर लेती जानकर? आपसे और आपके अमीर शौहर से हमें किसी भी किस्म की अच्छाई की उम्मीद नहीं है।
इसीलिए तो अब्बू को ये कदम उठाना पड़ा। क्या बकवास कर रही हो तुम, चुप कर जाओ सुहा। अम्मी आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, आप बस रहने ही दें। आप भी तो इतनी खुदगर्ज हो गई हैं कि अपनी आंखें उठा के माथे पर ही रख ली हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही हनीमून पर चली गई, एक बार भी पलट के नहीं देखा कि हम किस हाल में जी रहे हैं। क्या जल्दी थी आपको जाने की? हाँ मैं कह रही हूँ चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अम्मी मुझे क्यों चुप करवाते हैं? मैं सही बात भी कर रही हूँ तो सारे घर वाले मेरी मुखालफत करने लग जाते हैं। आप ही की इतने अमीर शख्स से शादी हुई है, उनकी दौलत पे इतना भी हक नहीं है कि अपनी बहन का इलाज ही करवा सके? तुम्हें हर मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना सीखो तुम। और दूसरी बात यह कि हमें क्या पता था कि जोहा की तबीयत खराब है, जैसे ही तुमने बताया पहली फ्लाइट पकड़ के हम लोग वापस आ गए। और रही बात जोहा के इलाज की, तो उसके लिए परेशान नहीं हो आप लोग, उसका इलाज मैं खुद भी करवा सकती हूँ, मुझे शावीज की मदद की जरूरत नहीं है। क्यों, आप क्यों इलाज करवाएंगी उसका? अगर इलाज आपने ही करवाना था तो आपके शोहर की इतनी दौलत का क्या फायदा हमें? उनको बोले तो सही एक बार कि जोहा का इलाज करवाएं। बकवास बंद करो सोहा, शावीज हमारा दामाद है और दामाद की कमाई पर हमारा कोई हक नहीं। मैं अपनी बच्ची का इलाज खुद करवाऊंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। अब्बू बस करते हैं, ये सारी बातें ना आप जज्बाती होकर बोल रहे हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है इन बातों का। आप सब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? एक बार कोशिश तो करें समझने की। अगर ये घर हमारे हाथ से निकल गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप बस अभी और इसी वक्त शावेस भाई को यहाँ पर बुलवाएं और उनसे साफ साफ बात करें पैसों की। सोहा क्या कर रही हो तुम, चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार के तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। शावेज बेटा तुम थक गए होगे, घर जाकर आराम कर लो। नहीं, आप सबको इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? अब्बू, तुम्हारा अब्बू कहना मुझे बहुत अच्छा लगा है बेटा। मुझे आज के बाद मैं आपको अंकल नहीं अब्बू कह। खुश रहो बेटा, जीते रहो। लेकिन एक बात आपको मेरी भी माननी होगी और इस बारे में मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। क्या बात माननी पड़ेगी बेटा? ये वो चेक है जो आपने सुहा के इलाज के लिए नीचे जमा किया, प्लीज आप ये वापस रखिए। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? अबू सुहा मेरी भी बहन है और जब मैं उसका इलाज करवा सकता हूँ तो मेरे ऊपर फर्ज है कि ये सारा खर्चा मैं ही उठाऊं। प्लीज आप ये वापस रखिए। नहीं बेटा, मैंने आपको कहा था ना मैं इस बारे में इनकार नहीं सुनूंगा। जीते रहो Congratulations, surgery successful, tumor removed. 3-4 घंटे में आप उनसे मिल सकते हैं। Thank you. या अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने कहा था ना आपसे ठीक हो जाएगी वो, आप खामखा में इतनी परेशानी ले रही थी। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं मैं कम है। दुआ बेटा, तुम लोग अब घर जाओ, इतने लंबे सफर के बाद थक गए हो। जोहा को जब तक होश नहीं आ जाता मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ से, इतने थके हुए नहीं है हम लोग, बैठ जाए।
यही सोच रही थी कि शादी पे तो अच्छी भली थी, ये अचानक ब्रेन ट्यूमर कहाँ से हो गया? मेरा ख्याल है ये पैसा बटोरने का कोई प्रोग्राम है। ये शावेज की हमदर्दियां हासिल करके और कोई बड़ी रकम बटोरना चाहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लोगों को और इनकी थर्ड क्लास ज़हनियत को और इनकी प्लानिंग को। देखना, किसी अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे और वो भी हमारे खर्चे पर। ऑफ कोर्स हसन, जब ही तो दोनों को इतनी इमरजेंसी में सिंगापुर से बुलवा लिया है, भाई अस्पताल के बिल भी तो भरने हैं ना। वैसे आपको पता है, आज मैंने शावेज को बहुत बुरे मूड में देखा। जितना वो शादी के लिए एक्साइटेड था, उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना, मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। लगता है खूब पछता रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस उम्र में मोहब्बत का बुखार जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से नीचे भी उतर जाता है। कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया। लाइफ भी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। अच्छी खासी थी वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा किया क्या कि वो ये डिजर्व करती हो लाइफ से। उसके साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बस बेटा हौसला रखो, ये आजमाइशें ऐसे ही अचानक आ जाती है। दुआ करो हमारी जोहा जल्द ठीक हो जाए। दुआ बेटा, तू थक गई होगी, घर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। नहीं अबू, मैं ठीक हूँ। वैसे भी आप लोगों को मैं यहाँ पे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं कहीं पे भी जा रही हूँ। बेटा तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शावेज के साथ घर जाना चाहिए था। बेटा तुम अब हमारी फिक्र मत किया कर, अपने शोहर को घर को टाइम दो। मुझे तो तुम लोगों का यहाँ आना मुनासिब नहीं लगा। तुम लोग वहां घूमने फिरने गए थे। घूमना फिरना जिंदगी में कभी भी हो सकता है। यहाँ पे उसकी तबीयत का मामला था, अगर हमें पहले पता होता तो हरगिज कहीं जाते ही नहीं। ये इस वक्त किसका फोन आ गया? पता नहीं। हेलो, कौन? अमी, मैं शायान। कौन शायान? मैं किसी शायान को नहीं जानती। अमी, मैं आपका बेटा बात कर रहा हूँ शायान। आप मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती? मेरा कोई बेटा नहीं, मैं किसी शायान को नहीं जानती। और आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हारी वजह से मुझे फोन का नंबर बदलना पड़ेगा। और हाँ, सोहा से भी दोबारा रابطہ करने की कोशिश मत करना। अभी मैंने जोहा की तबीयत पूछने के लिए फोन किया। प्लीज आप फोन मत करें अम्मी। अम्मी, अब उसकी तबीयत कैसी है? वो कैसी है और किस हालत में है, तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। और अब तुम्हारा इस घर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी प्लीज, अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुन ले अम्मी प्लीज। दे जा मैं चलूं।